स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। रुई, मुझे पता है कि तुम घर आई थी, तो तुमने कुछ बात की थी रिया से। बताओ ना, कुछ तो बात की थी। तुम रिया को बाहर लेकर गई थी, क्या हो गया? हाँ, मैं मिलने आई थी रिया से, मैं उसे इनवाइट करने आई थी। पूजा, व्हाट इज रॉन्ग? रिया ठीक तो है ना? पूजा, हुआ क्या है? क्या हुआ है पूजा, बोलो तो। हुआ क्या? रिया मिसिंग, वो घर पे नहीं है। ओह माय गॉड, रिया अगर तुम उसे नहीं ले आई तो फिर निखिल, निखिल आपका। अच्छा, क्यों? आपने हाँ कह दी जीजू की शादी के लिए, इससे बड़ी खुशी की बात ही क्या है? बाला जीजू की अम्मा जिंदगी बदल जाएगी आपके हाँ से। थैंक यू। हाँ, पर इशू अभी शाबू को भी तो समझाना है ना। वो कैंप पे गया है, वो वापस आएगा ना, तो मैं इससे बोल दूंगा। सर, मान तो करना जरूरी है। सब मान जाएंगे, आपने इतनी अच्छी गुड न्यूज दी है, तो इस बात पे सेलिब्रेशन तो बनता है। हाँ, सेलिब्रेट तो करना ही है, पर तुम सबको मेरी हेल्प करनी होगी। करेंगे, सब करेंगे। और खाने की तो टेंशन आप लेना ही मत, मैं इतना टेस्टी खाना बनाने वाली हूँ ना, सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, मम्मा की कमी पूरी हो जाएगी। हाँ, और भी तो प्रेपरेशन है कितनी सारी। देखो, बाला हमारा सन इन लॉ है, एंग मापले, तो सब अच्छे से होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कुछ कम कर दिया। हाँ माँ, हम सब करेंगे, है ना, सब कुछ। हाँ हाँ, मैं संगीत प्लान कर दूंगी ना पार्टी, और विशिमा, मैं उनकी शादी के लिए ना एक एक्सपेंसिव डिजाइनर ड्रेस भी लूंगी। वाह, अच्छा चलो, बहुत काम है। संतोष की बहुत याद आ रही है, वो की तो कितनी हेल्प करती। हाँ, मिस कर रही हूँ मैं अभी जाती हूँ, बहुत काम है, बहुत काम है। ठीक हो तुम? हाँ इश्रिमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, मैंने ना अभी डिसाइड कर लिया कि मैं कोई भी सैड फेस बना, मैं ना अभी बिल्कुल दुखी नहीं होने वाली, मैं कोई शोक नहीं मनाने वाली हूँ। क्या आप मेरे रोल मॉडल हो ना, एक फाइटर हो आप। मेरी फाइटर इश्रिमा जब कोई भी मुश्किल से नहीं डरती है, हंसते हंसते सब कुछ पार कर लेती है, कभी हार नहीं मानती, तो मैं कैसे हार मान लूँ? मैं भी फाइटर हूँ आपकी तरह। जब आप और पापा मेरे साथ हो तो मैं क्यों अपना मुंह लटका के घूमूंगा? Are you sure? इश्रिमा, I am 100% sure. अभी ना घर पे बहुत अच्छा माहौल है, तो आई थिंक हम सबको खुश रहना चाहिए। और अगर आप मेरी वजह से अब ऐसे रहने वाले हो ना, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज रूही बेबी, आपका फोन कब से बज रहा है? या की नानी, ये क्यों? हेलो रूही मैडम, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। वो रिया बेबी ने ना सुबह से ना कुछ खाया है ना पिया है, और अभी तो वो दरवाजा भी नहीं खोल रही है, अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। मैडम भी घर पे नहीं है, और मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मैम, आप जल्दी से आ जाइए। पता नहीं क्यों रिया कल से बहुत अपसेट थी। हाँ ठीक है ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? शुमा, मुझे रिया के घर जाना होगा, मैं आके सब बताती हूँ। अभी रिया दरवाजा खोलो, देखो मैं आई हूँ तुमसे मिलने। रिया, हम दोनों मिलके बात करते हैं बेटा, मैं तो तुम्हें समझती हूँ ना। रिया देखो, अगर तुम ऐसा करने वाली हो ना, तो तुम्हारी रोई दीदी यही समझ लेगी कि तुम उससे प्यार ही नहीं करती हो। रिया ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है रिया, तुम नहीं चाहती ना कि तुम मुझसे बात करो, ठीक है तुम मुझसे मत मिलो, मैं जा रही हूँ। ओके, गुस्सा हो गया मुझसे? आप अपनी रूही दीदी से बात नहीं करोगी?
रिया ये क्या बात हुई है? सुबह से कुछ खाया नहीं है ना आपने? ऐसे भूखे नहीं रहते हैं बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा चलो हम हमारी प्रिंसेस के लिए उसका कुछ फेवरेट बनाते हैं, ओके? अब रिया को नूडल्स तो बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो हम नूडल्स बनाए। अरे वाओ, आप ड्राइंग कर रहे थे अपने रूम में ऐसे बैठकर? अच्छा तभी मैं अच्छा रिया आई एम सॉरी, तुम्हें नहीं दिखाना है तो मैं नहीं देखूंगी, इट्स ओके। अब चलो मैं तुम्हारा रूम क्लीन कर देती हूँ ना, सब बिखेर के रखा है ना, ये सब बंद कर देते हैं, ठीक है? बस 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 रिया क्या हो गया? बस बैठो यार, बैठो रिया, चुप, शांत शांत बेटा। अब मुझे बताओ तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो, क्या हो क्या? आप मेरे पापा को हेट करते हो ना, मैंने देखा आपके पापा ने मेरे पापा को घर से निकाला, क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्यों किया? रिया चलो ना घर चलते हैं मेरे, वहाँ शादी का फंक्शन होने वाला है तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, हम गाने गाएंगे, डांस, चलो चलो ना। तुम मेरी बात सुनो ना, मेरे पापा बुरे नहीं है, उन्होंने मुझे कितनी बार बचाया, मम्मा तो मुझे इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन पापा चाहते थे, मम्मा ने पापा को बताया ही नहीं कि मैं हूँ, तो वो मुझसे कैसे मिलते? मैंने सब कुछ सुन लिया और पापा ने तो मुझे उस गन वाले अंकल से भी बचाया और लिफ्ट में भी बचाया, तो वो बुरे कैसे हो सकते हैं रूही दीदी, कैसे? बोलो ना रूही दीदी, कैसे हो सकते हैं वो बुरे? रिया मेरे लगने या ना लगने से कुछ नहीं होने वाला है, और रिया बेटा बहुत छोटे हो अभी सब, लेकिन आप तो बड़े हो ना रूही दीदी, आप मेरे पापा से बहुत प्यार करते हो, मैंने देखा है आप दोनों को, मैं जानती हूँ आप मेरे पापा को बहुत लव करते हो। रूही दीदी ये मेरे दो फेवरेट लोग हैं, पापा और रूही दीदी। मैं जानती हूँ आप अपने पापा के बारे में बात करना चाहते हो मुझसे, I'm so sorry, मैं आपसे इस बारे में नहीं बात कर सकती। रिया बस अच्छा तुम इतना जान लो कि I love you, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ रिया, अगर अगर तुम अपनी रूही दीदी से थोड़ा भी प्यार करती हो ना तो तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करने वाली हो, मुझे कितना डर लग गया था पता है, तो प्रॉमिस करो मुझे, बोलो प्रॉमिस बोलो। तुम लोग अपनी प्लानिंग करते रहो, डिस्कशन करते रहो, मुझे क्लासेस के लिए लेट हो रहा, मैं जा रहा हूँ। अरे 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 सुन भाई, कौन से क्लासेस भाई? आज तेरे सारे स्टूडेंट्स को कह दिया कि उनके सर जो है बेचारे शहीद हो रहे हैं, इसलिए उनकी छुट्टी है। अरे यार लो शहीद का नाम लिया और तो आ गई। अरे किरण किरण आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए भाई, क्या बात है, आ जाओ, अच्छी लग रही है, थैंक यू, बस तुम्हारा इंतजार था, कब से। हाय पंडित जी ने तीन दिन बाद की तारीख निकाली है क्योंकि बाद में ग्रह की दिशा अच्छी नहीं है, अयो हमारे पास बहुत कम टाइम है, सब मैनेज कैसे होगा, मेरी बात हो गई है, सब ठीक है, मुझे लग रहा है हम लोग
क्यों इतना अननेसेसरी खर्चा कर रहे हैं? क्या जरूरत है इस सबकी? मुझे तो कोर्ट मैरिज करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर किरण को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो। इट्स ओके, कर सकते हैं। उनके हाँ में हाँ क्यों मिला रही हो? मैम टेलिंग यू, हाँ ये रिस्क मत लो। आज हाँ में हाँ मिलेगा, जिंदगी भर ये करना पड़ेगा। ओके सीरियसली? हाँ डोंट डू इट। अच्छा सुनो सुनो, भले अगर आप लोगों को कोर्ट मैरिज करनी है तो कोर्ट मैरिज कर लो, लेकिन कुछ फंक्शन तो अपने तरीके से। हाँ, लेकिन कोर्ट मैरिज के लिए तो एक महीने का नोटिस देना पड़ता है, कोर्ट मैरिज कैसे हो सकता है? पार्टी वो मैं आपा से बात कर लेती हूँ, वो कोर्ट में किसी जज को जानते हैं तो वो अरेंजमेंट कर देंगे। ठीक है सर। चलो परफेक्ट, तो ठीक है भाई, भले आप लोगों को अगर कोर्ट मैरिज करनी तो वो कर लो, लेकिन कुछ फंक्शन तो हम अपने तरीके से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है दूल्हे की बैचलर पार्टी। अरे आगे चलो, बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। हाँ मुझे नीलू दीदी ने बताया कि आप लोग सब यहाँ पे हो तो मैं भी आ गई। हम किरण की हैंड्स पार्टी के लिए डिसाइड करेंगे क्या करें। हम हैंड्स पार्टी के लिए सोच रहे थे कि कैसा थीम रखें, कुछ डिफरेंस आ रखते हैं। आप प्रिंसेस या बॉलीवुड थीम रखते हैं? बॉलीवुड थीम। लवली टी। पता शगुन, मैं आलिया को बहुत मिस कर रहा हूँ। मिस तो मैं भी कर रही हूँ। यू नो व्हाट, मैं उसे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए बुला लेती हूँ, है ना? गुड आइडिया। अच्छा लिसन ना, मुझे एनजीओ का कुछ काम है तो ऑन द वे मैं आलिया से मिल लूंगी। ए आलिया। अच्छा आपा, मुझे ना आपका एक फेवर चाहिए। वो आपके कोई फ्रेंड है ना जो जज है? एक्चुअली बाला मामा ने ये डिसाइड किया कि वो कोर्ट मैरिज करेंगे और दो तीन दिन में परमिशन मिलना इट्स नॉट पॉसिबल, तो आप कोई हेल्प कर सकते हैं? हाँ हाँ, मैं जज को जानता हूँ, मैं उससे बात कर लूंगा, डोंट वरी सब हो जाएगा। और बाला से कहना कि शगुन और मेरी तरफ से ये उसके लिए वेडिंग गिफ्ट है। ठीक है आपा, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ओके अभी नहीं हुई है, वो कैंप से वापस आएगा ना तो मैं बात कर लूंगी, तुम चिंता मत करना, मुझे मालूम है वो मान जाएगा, खबर पड़ा रहे। Are you sure? हाँ श्योर, एकदम श्योर। मेरे अम्मा और अप्पा को भी शादी से कोई इनकार नहीं, अगर वो कनाडा से यहाँ आ सकते वो भी शोभू को समझा सकते थे। अब कम दिन बचे हैं, इतने सारे मेहमान हैं, दिल्ली का ट्रैफिक देखो, एक दिन में दो तीन घर कैसे मैनेज करेंगे हम लोग? अरे पुत्र, हम सब हैं ना, आपस में मिलजुल के काम करेंगे, सब हो जाएगा, कैसे मतलब? डिवीजन ऑफ लेबर बहुत जरूरी है, तभी काम हो पाएगा। आई अंडरस्टैंड। मैं देखती हूं, प्लीज थैंक यू। मुझे क्या रखना पापा के? हाय हाय, एकदम परफेक्ट टाइम पे आए। कैसी हो? बहुत अच्छी। हाय मम्मा आ गए। हेलो, बहुत सही टाइम पे आई हो तुम शगुन, तुम्हारी हेल्प की बहुत जरूरत है। बोलो ना क्या बात है? पाला जीजू और किरण की शादी है ना अभी, तो फिर सारी शॉपिंग तुमको ही करानी है। वैसे रिसेप्शन करेंगे, कोर्ट मैरिज है लेकिन रिसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो सब तुम कराओगी। उनकी शादी हो रही है? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं बताया मतलब? मुझे लगा था किसी ने इन्फॉर्म किया है शगुन को। कौन बताएगा मुझे? तुम लोग ना मुझे इस फैमिली का कंसिडर ही नहीं करते, कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं है। डोंट ओवररिएक्ट। अरे हमें भी अभी भी पता चला है, आई मीन जस्ट कल पता चला, इसलिए यू मस्ट हैव फॉरगॉटन। सॉरी सच में। प्लीज स्टॉप, वी कैन हेल्प करो मारिया। हां हेल्प, ऑफ कोर्स मैं हेल्प करूंगी, बताओ क्या है? करनी पड़ेगी ना, मेरा ससुराल है और बाला मेरी मामा है, उस हिसाब से वो आपके भाई हुए ना। भाई बना लो, चलो। तुम शगुन के साथ रहो, मैं देखती हूँ। थैंक यू। पूजा तुम यहाँ? रूही 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 कहाँ है? आओ अंदर आओ, मुझे उससे मिलना है। हाँ अंदर तो आओ, उसे बुलाइए ना। रमन रूही कहाँ?
रूही है पर बात क्या है तुम बताओ तो सही। रिया यहाँ है क्या? रिया तो रिया नहीं, रिया यहाँ नहीं है, पर हुआ क्या? आप रूही को बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है प्लीज। रूही प्लीज कॉल हो। रूही मुझे पता है कि तुम घर आई थी तो तुमने कुछ बात की थी रिया से, बताओ ना, कुछ तो बात की थी। तुम रिया को बाहर लेकर गई थी? क्या हो गया? हाँ मैं मिलने आई थी रिया से, मैं उसे इनवाइट करने आई थी। पूजा व्हाट इज रॉन्ग, रिया ठीक तो है ना? पूजा हुआ क्या है? क्या हुआ है पूजा, बोलो तो, हुआ क्या? रिया मिसिंग, वो घर पे नहीं है। ओह माय गॉड, रिया अगर तुम उसे नहीं ले आई तो फिर निखिल ने रिया को किडनैप कर लिया। व्हाट? नहीं पूजा ऐसे। और निखिल ने मुझे बताया था कि वो उसे किसी भी हाल में ले जाएगा। ओ गॉड, मुझे अच्छी तरह से पता है कुछ होने वाला है, मैं जानती हूँ। पूजा कभी बच्ची को जीने की कोशिश करेगा। बैठो इधर। Just relax, पूजा बैठो। पूजा एक बात बताओ, तुमने उसे किसी फ्रेंड को कांटेक्ट किया? हो सकता है वो अपने किसी फ्रेंड के घर गई हो। हाँ रेशमा, जब मैं रिया से मिलने उसके घर गई थी तो वो अपने पापा को लेकर अपसेट थी बहुत ज्यादा। I don't know, मैं उसी बात का फायदा उसका क्या इंसान ने उठाया? निखिल जैसे इंसान को तो जिंदा रहने का हक नहीं है। मुंबई में जो कुछ हुआ उसके लिए वो रिया को अपने साथ ले गया, पूजा से पता लेने के लिए, ताकि वो परेशान। वो पापा हो सकता है। Shut up! तुम अभी उसकी साइड ले रही हो, उसके असली जान चुकी हो तुम। पूजा मैं तो कहता हूँ चलते पुलिस के पास, उसे सबक सिखाएंगे। पापा मैं निखिल को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। आलिया तुम क्या जानती हो उसके बारे में? ढोंगी है वो, नाटक करा था अब तक। तुम लोगों को बेवकूफ बना देगा, तुम्हें बंदे गए। ऐसे लोगों को सिर्फ पुलिस सबक सिखा सकती है। चलो रमन, मुझे लगता है हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के हम लोग डिसीजन लेते हैं, वैसे नहीं पुलिस स्टेशन। इतना सोचने का वक्त नहीं है, किसी की बच्ची गायब है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? पूजा चलो मेरे साथ। मुझे पता है रिया कहाँ है। ये पेड़ा किस खुशी में फ्रेंड को आ गया? क्योंकि आज खुशी का दिन है फ्रेंड अंकल, वो किरण रेड्डी है ना, वो मेरी अम्मा बनने वाली है। वाओ सच्ची? हाँ। कमाल हो गया, हाँ? दे ताली। और सबसे पहले ये गुड़िया मैंने आपको ही बताई है। अब पेड़े खिला मुझे। कोई हमारी अम्मा नहीं बनेगा, हमारी अम्मा थी और अब नहीं है। और में कैम क्या चलेगा तो पीछे से अप्पा ने उस औरत से शादी करे। बेटा तुम एक्सक्यूज मी प्लीज, हाँ? और आप बीच में क्यों बोल रहे हो? शितिजा स्टॉप क्राइंग और चल मेरे साथ। भैया चल मेरे साथ। तुम्हें कैसे मालूम है कि वो कहाँ है? मुझे पता है क्योंकि मैं भी वहाँ जा रही हूँ। तू कहाँ जा रही है बेटा? टीचर ने हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लासेस रखी है। अभी? स्कूल? इस वक्त? जिन लोगों ने छुट्टी ली थी ना, उन लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस थी। शाम के 4 बजे है तो मैं। रिया और मैं तो मुंबई में थे ना, इसलिए टीचर ने हमें बुलाया और मैं भी वहाँ जा रही हूँ। स्कूल से नोट भी आया था। इशिमा आई एम सॉरी, मैंने आपको नोट नहीं दिखाया, पर मैंने रूही दीदी को दिखाया था, है ना रूही दीदी? पता नहीं रुई दीदी आप कैसे भूल गए। हाँ 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 इशिमा, मुझे पता है, बताया था पीहू ने कल। अच्छा मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। वो क्या है ना, मैं रिया की डायरी चेक नहीं करती तो वो तो नानी, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से पूजा आप लोगों को। पूजा हम जानते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो, लेकिन रिया की इन छोटी छोटी बातों पे तुम थोड़ा सा ध्यान दे दिया करो तो इतने बड़े कन्फ्यूजन नहीं होंगे। अब देखो ना, इस कन्फ्यूजन के कारण तुम निखिल की रिपोर्ट कर देती पुलिस में, वो गलत होता ना। आई एम रियली सॉरी यार, आई मीन मुंबई में जो हुआ तो उसके बाद मैं डर गई थी कि निखिल। तुम मत चिंता, हम सब हैं तुम्हारे साथ। फिर एनीथिंग जस्ट गिव अस अ कॉल। या थैंक यू मिस्टर वाला। जूही दीदी हम चले स्कूल? हाँ ठीक है। I'm really sorry.
ठीक है। Who is she? ये सब क्या चल रहा है? What is going on here? It's a long story. आप बता दे तुम्हें। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।